अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हैप्पी नैप्पी डायपर्स के बारे में रिव्यू देना चाहती हूँ कि मेरा बेबी 3 मंथ्स का है। मैंने इससे पहले अपने बेबी को बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के डायपर्स ट्राई करवाए, जैसे मॉलफेक्स, पैम्पर्स, कैन बेबी एक्सेट्रा, बट वो दावा करते हैं कि रैशेज़ नहीं होंगे, लीकेज नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बेबी के रैशेज़ भी हुए और 2-3 घंटे से ऑलमोस्ट ज़्यादा को वो डायपर निकालता ही नहीं था और लीकेज हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर वैसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए हैप्पी नैपी प्रोडक्ट देखी, मैंने इसको ऑर्डर किया और अपने बेबी को यूज़ करवाया। तो आप यकीन करें कि जहाँ पर पहले बड़े ब्रांड के डायपर मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स निकालता था, वो हैप्पी नैपी का डायपर जो है वो 8 से 10 घंटे निकाल जाता है, जिससे सारी रात बच्चा सुकून से सोता है और माँ भी सुकून में रहती है। और जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है, माओ को टेंशन होती है रैशेज़ की, तो इस डायपर से मैंने वो भी देखा कि ये मेरे बेबी के कोई रैशेज़ नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं 100% सब माओ को ये डायपर रिकमेंड करती हूँ कि ये एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत चीप प्राइस में आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट मिल रही है, और दूसरे नंबर पे रैशेज़ नहीं होते, और तीसरा लीकेज नहीं होती, जिससे आपका बेबी भी सुकून से सोता है और उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। मैं आपको अभी इस डायपर का बता देती हूँ थोड़ा सा खोल के कि ये डायपर कैसा है। ये ओवरऑल ये इस तरह का डायपर है, ये इसका इलास्टिक बैंड है जिससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ये लीक गार्ड्स हैं जिससे लीकेज नहीं होती ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स, और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग है। इसका मतलब कपड़े टाइप इसके वो अंदर से शीट है और अच्छी खुशबू आती है, तो यूरिन की भी जो स्मेल होती है वो अक्सर डायपर्स में जब बच्चे करते हैं तो वो बच्चों से भी आने लग पड़ती है, लेकिन इस डायपर का ये भी कमाल है कि वो स्मेल नहीं आती है। तो 100% मैं ये डायपर रिकमेंड करती हूँ सबको कि आप इसको ट्राई करें और अपने बेबी को रैशेस से और लीकेज से महफूज रखें।